बिलासपुर शहर के रोड़ा सेक्टर के रहने वाले शशांक सुपुत्र यशपाल पिछले कुछ वर्षों से फेसबुक पर खामी ढूंढकर $500 का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। शशांक ने अब एक बार फिर फेसबुक के चेक पॉइंट की खामी को उजागर किया है। इसके लिए फेसबुक ने हॉल ऑफ द फेम के शशांक को 15वां स्थान देते हुए $2,000 का पुरस्कार दिया है। डिग्री धारक शशांक मेहता ने फेसबुक की सिक्योरिटी टीम को बंक्सबंदी रिपोर्ट भेजी थी। शशांक का कहना है कि हालांकि उसने अपने इस जुनून के लिए नौकरी को भी छोड़ा और शुरू से ही वह अपने पिता से मांग करते थे कि उसे लैपटॉप खरीद कर दिया जाए, लेकिन उसने बीकॉम की और उसे बीसीए में एडमिशन नहीं मिला, जिस कारण उसे बीकॉम करनी पड़ी। और बीकॉम करने के बाद भी उसका जुनून कंप्यूटर एजुकेशन की तरफ ज्यादा रहा और उसने एमसीए में प्रवेश ले लिया और आज उसी का परिणाम है कि वह आज इस मुकाम पर पहुंचा है। शशांक के अनुसार जब भी कोई संदिग्ध गतिविधि फेसबुक के सर्वर की पकड़ में आती है, जैसे फेक अकाउंट बनाना, किसी और के फोटो का अपनी प्रोफाइल में लगाना आदि, तो इस अवस्था में फेसबुक यूजर के अकाउंट को ब्लॉक कर देता था ताकि यूजर उस फेक अकाउंट का इस्तेमाल ना कर सके, और वह अकाउंट तब तक ब्लॉक रहता था जब तक यूजर अपनी सही पहचान की सत्यता ना करे। शशांक के अनुसार उन्होंने अपनी रिपोर्ट को फेसबुक में बताया। वह किस प्रकार इस सुरक्षा चेक पॉइंट को बाईपास कर ब्लॉक अकाउंट से भी फोटो, मैसेज व अन्य प्रकार की गतिविधियां कर सकते हैं। शशांक के अनुसार ये एक चूक थी जिसका गलत उपयोग भी किया जा सकता था तथा फेसबुक ने इस खामी को माना और इसे गत 27 मार्च को ठीक कर दिया। शशांक का कहना है कि वह पिछले काफी समय से साइबर सुरक्षा पर काम कर रहे हैं तथा उन्हें इस क्षेत्र में काम करने का जुनून है। आज काफ़ी खुशी का दिन है। आज मुझे फेसबुक की तरफ से एक मैसेज प्राप्त हुआ है कि मैंने वहाँ से $2,000 तकरीबन आज जीते हैं, और पिछली बार मैंने $500 जीते थे और इस बार मैंने $2,000 जीत के दिखाया है, और फेसबुक ने मुझे धन्यवाद भी किया है इस चीज़ के लिए, और मैं अपने इस चीज़ का श्रेय अपने माता पिता, अपने रिलेटिव्स और अपने दोस्तों को देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया इस चीज़ के लिए, और मैं उनसे शुभकामनाएं लेना चाहता हूं कि मैं आगे भी इस तरह की चीज़ें ढूंढता रहूं और अपने करियर को आगे बढ़ाता जाऊं। इस चीज़ के लिए मैंने अपनी जॉब भी छोड़ी थी, हालांकि मैं एक साल पहले दिल्ली में एक कंपनी में था एज ए नेटवर्क एडमिन उस चीज़ के लिए, लेकिन इस शौक के लिए मैंने इस चीज़ को भी छोड़ दिया, अपनी जॉब को भी छोड़ दिया इस चीज़ के लिए, और बस थैंक यू। देखिए, पहले तो बात ये है कि प्राइस मुझे मिला और वो क्या है, इस बार $2,000 का, पिछले साल भी मैंने इसमें एक बग ढूंढा था, उसमें मुझे $500 का इनाम मिला था और इस बार वो बढ़ के इनाम राशि $2,000 की गई है। तो एक्चुअली वो बग ऐसा था कि उनके चेक पॉइंट के सिस्टम में वो बग था, मतलब कि अगर वो आपको ब्लॉक कर देते थे और तो आप अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाते थे, अगर वो ब्लॉक कर देते फेसबुक वाले तो आप अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते थे, लेकिन उस बग में ऐसा था कि उस बग से क्या होता था कि आप उस अकाउंट को एक्सेस कर सकते थे। फेसबुक को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी इस बात की कि आप अपना अकाउंट एक्सेस कर सकते थे उनके ब्लॉक करने के बावजूद भी, तो ये बग थी जिस कारण मैंने इन्हें भेजा था कुछ दिन पहले और कुछ दिन के बाद मुझे इनका रिप्लाई आया कि आपकी बग पैच हो गई है, हमें और थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप वीडियो बना के भेजिए। तो मैंने उन्हें वीडियो बना के भेजी और उसके बाद उन्होंने उसे देखा, रिप्रोड्यूस किया वहाँ पे जाके जो इनके इंजीनियर्स हैं, और उसके बाद उन्होंने मुझे फिर एक एक्नॉलेजमेंट भेजी कि हमें ये यहाँ से बग ठीक कर दी गई है, आप देखिए कि दोबारा रिप्रोड्यूस हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके बाद फिर मैंने उन्हें जवाब दिया कि ये बग अब पूरी तरह ठीक हो गई है और अब वो रिप्रोड्यूस नहीं हो पा रही है। तो उसके कुछ दिन बाद मुझे फिर से उनका एक मैसेज आया कि आपको इस बग के लिए हमने $2,000 पे कर रहे हैं और ये बग पूरी तरह ठीक हो चुकी है, और हम फ्यूचर में आपसे कामना करते हैं कि आप आगे भी बग्स खोजते रहिए और हमें बताते रहिए। तो उसके बाद पे आउट हो गया था मेरा उस चीज़ में। कब से शौक था ये? एक्चुअली ये शौक मेरा बहुत पहले से ही था, तकरीबन जब मैं ग्रेजुएशन में था तब से ही मेरा शौक था ये। तो उस टाइम मेरे पास लैपटॉप भी, पापा जबकि मैं ज़िद भी करता था कि यार मुझे लैपटॉप दे दो, लैपटॉप ला दो, फिर पापा मुझे लैपटॉप लेके लाए थे और उसके बाद से ये शौक जागा। मैं मतलब लैपटॉप में ही काम करता था उस टाइम भी,
बीकॉम से मुझे शौक था, किसी कारणवश मुझे बीसीए में एंट्री नहीं मिल पाई थी उस टाइम पे, लेकिन मैंने ठान ली थी कि मैं इसके बाद एमसीए में ही जाऊंगा और कंप्यूटर लाइन में ही जाऊंगा। बीकॉम ख़त्म होते ही मैंने फिर एमसीए के लिए अप्लाई किया था लवली यूनिवर्सिटी जलंधर में, और हालांकि वहाँ पे कोई भी बीकॉम वाला बच्चा नहीं था, सिर्फ मैं ही था वहाँ पे बीकॉम वाला, बल्कि और जो बाकी थे वो सारे बीसीए बैकग्राउंड के थे, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पे सर्वाइव किया और आज आपके सामने ही ये सब कुछ। फिर इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं ज़्यादा आप? इसका श्रेय मैं अपने मम्मी पापा रिलेटिव्स को देना चाहता हूँ, दोस्तों को देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया कि तुम अच्छा कर सकते हो इस फील्ड में, और मैं उनका आभारी हूँ उस चीज़ के लिए। शशांक की माता ममता मेहता भी अपने बच्चे की उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रही है। उसका कहना है कि इसे शुरू से ही फेसबुक का जुनून था और उसी को इसने अपना फैशन बनाया। हालांकि इसके लिए इसने अपनी नौकरी तक भी छोड़ दी है, लेकिन आज जो ये कामयाबी मिली है उसे घर वाले भी खुश हैं। आखिरकार शशांक को अपना मुकाम मिल गया है।